कुड़की के इब्राहिमपुर गांव में तालाब में मगरमच्छ आ गया। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर तालाब से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया है। कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को बाणगंगा नदी में छोड़ा गया। तो रुड़की से तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से वन विभाग की जो टीम है मगरमच्छ का रेस्क्यू करके उसे नदी में छोड़ा गया। लगातार बारिश हो रही है और उसके कारण जो जलीय जीव है वो भी ऐसे इलाकों में आ जा रहे हैं जहां पर आबादी रहती है, और ऐसी तस्वीर रुड़की से भी देखने को मिली है। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां विश्व विख्यात केदारनाथ मंदिर के भीतर कुछ तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद भी सोने की परत चढ़ाए जाने का कार्य जारी है। कुछ तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं, बावजूद इसके बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से मंदिर के गर्भगृह में काम करवाया जा रहा है। विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत ना चढ़ाए जाने के लिए उन्हें उत्तराखंड के चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का समर्थन मिल रहा है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि सोने की परत चढ़ाए जाने का कार्य गति से चल रहा है। जो तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं उनसे बातचीत करके उनकी शंका को दूर किया जाएगा। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार और मंदिर समिति मनमानी कर रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का जो कार्य है वो वर्तमान में निर्बाध गति से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। प्रारंभ में जब कार्य शुरू हुआ था तो कुछ तीर्थ पुरोहितों हक हकूकधारियों के मन में कुछ आशंकाएं थी, कुछ उनके सवाल थे, उनसे लगातार हमारी बातचीत हुई है, प्रशासन ने उनसे बातचीत की है, तो उनकी जो शंकाएँ थी उनका समाधान कर लिया गया है। ये कहाँ का जो है नियम है कि आपने जो है वहाँ मंदिर की दीवारें फोड़ डाली, वहाँ ऐसी जो है आधुनिक आप मशीनों को चला रहे हैं जिन मशीनों से जो है मंदिर की नींव जो है खराब हो सकती है। केदारनाथ में गर्भगृह में जो सोने लगाने का विरोध है वो केदारनाथ के पूरे तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं, और भगवान बाबा की कृपा से अब इसमें चारों धामों के तीर्थ पुरोहित हमारे साथ लगातार विरोध कर रहे हैं, और बाबा की असीम कृपा से अब देश विदेश में रहने वाले साधु संत अखाड़ा से भी लगातार हमारे साथ इसके विरोध में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण में हो रहे कार्यों की वर्चुअल समीक्षा की है। प्रधानमंत्री की वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव एसएस संधु और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल केदारनाथ धाम में 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य में प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है और इस वक्त सेकंड फेज का कार्य चल रहा है, जिसमें 21 कार्य होने हैं और 21 कार्यों में से 10 कार्य दिसंबर तक पूरे होने हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी को जो पहले के वीडियो थे और जो प्रेजेंटेशन थे वो सब उन्होंने आज देखे हैं, और जो मास्टर प्लान पर जितना काम अभी तक हो पाया है जो और आगे होना है उसकी जो स्टेप बाय स्टेप कामों की प्रगति है उसके बारे में। विधानसभा की भर्तियों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जैसे प्रकरण सामने आया तो हमने तत्काल विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि बात करेंगे खटीमा की। यहाँ दो पूर्व सैनिकों पर बाघ ने हमला कर दिया। ये लोग बनका मिलिट्री कैंटीन सामान लेने जा रहे थे। अब घायल दोनों पूर्व सैनिकों का उपजिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, दोनों की हालत स्थिर है। वहीं अब क्षेत्र अधिकारी को गश्त बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। क्षेत्र अधिकारी सुरई को निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल क्षेत्र में अपनी गश्त कार्रवाई बढ़ाएं और जितना जो आवागमन के रास्ते हैं राहगीरों के उनमें झाड़ियों की सफाई इत्यादि कर लें। इस संबंध में नियमानुसार जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी वो की जाए। और अब बात टिहरी की, जहां नई टिहरी स्थित कॉन्वेंट स्कूल के दो छात्र अचानक से गायब हो गए, जिसमें से अब एक छात्र का शव टिहरी बांध की झील से बरामद हुआ है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। एसडीआरएफ और थाना पुलिस को झील के किनारे छात्रों की ड्रेस और जूते बरामद हुए हैं। मृतक छात्र के कपड़ों के पास से स्कूल के परीक्षा का एक प्रश्न पत्र भी मिला है, जिसमें उसने आई लव यू मॉम लिखा है। हमारी एसओजी और जो हमारी लोकल पुलिस है और एसडीआरएफ, इस तरह से अभियान चलाया जा रहा था, इसी उसमें हम आज कुछ हमें इसके झील के किनारे जो है बड़े सारे शूज मिले, उसी आधार पे फिर जब झील में हम लोगों ने और एसडीआरएफ ने एसओजी की टीम ने सर्च अभियान चलाया तो उसमें आशीष लड़की की जो है
और चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे तो हरिद्वार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। रुड़की में ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। कई गांव में फ्लैग मार्च के साथ ही ड्रोन से भी निगरानी हुई है। पुलिस ने चुनाव में शांतिपूर्ण माहौल बनाने की लोगों से अपील की है। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे जो तैयारियां हैं वो भी तेज हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, आज पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों से ये अपील की गई कि चुनाव के दौरान मतदान के दौरान शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें। और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के शेड्यूल में बदलाव कर दिया गया है। आज देहरादून में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच मैच। इससे पहले 24 सितंबर को यह मैच खेला जा रहा था। नए शेड्यूल के बाद आज दोनों टीमों के बीच मुकाबला होना है। शाम 7:30 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। तो इस शेड्यूल में बदलाव किया गया है और आज भारत और इंग्लैंड के बीच मैच होगा और तमाम जो दिग्गज हैं इन मैच के लिए देहरादून पहुंच चुके हैं। इधर कुमाऊं में ई बीट पुलिसिंग की शुरुआत होने जा रही है और अब तक मैनुअल तरीके से बीट पुलिसिंग करने वाली कुमाऊं पुलिस अब हाईटेक तरीके से पुलिसिंग करेगी। डीआईजी दिलेश आनंद भरडे ने कहा है कि बीट पुलिस को भी इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। तक का कार्य हम लोग जैसे एक कांस्टेबल को बीट बुक दी जाती थी वो उसमें एंट्री करता था, उस जो क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति या न्यूसेंस एलिमेंट या सक्रिय जो भी क्रिमिनल टाइप के हो या जो भी बैंक है, स्कूल है, जो भी जानकारी होती थी बीट की वो, और रेगुलर किसको जो है किस पे कौन एक्टिव है एरिया में, तो वो सब इनामी अपराधी सारी सूचनाएँ वो बीट बुक में होती थी। तो अब जो है एक ई बीट बुक आएगा तो ये सारी सूचनाएँ जो है डिजिटल माध्यम से उनके मोबाइल में होगी। वही रामनगर में तराई पश्चिम वन प्रभाग में वन विभाग ने गश्त शुरू कर दी है। डीएफओ ने 60 वन कर्मियों के साथ संयुक्त गश्त की है। गश्त तराई और रामनगर वन प्रभाग के संवेदनशील इलाकों में की है ताकि जंगलों में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। और पौड़ी जिले में एक युवती लापता हो गई है। युवती के परिजन युवती को जल्द तलाशने के लिए राजस्व विभाग के चक्कर काट रहे हैं मगर राजस्व पुलिस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है और ऐसे में परिजन मांग कर रहे हैं कि ये मामला रेगुलर पुलिस को सौंप दिया जाए ताकि युवती का कुछ सुराग लग पाए। तो कई दिनों से ये युवती लापता है जिसकी शिकायत लेकर आज जो परिजन थे वो पुलिस के पास पहुंचे हैं। लगातार ये गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द युवती को ढूंढा जाए। लापता युवती का अब तक सुराग नहीं लग पाया है और अब परिजन ये मांग कर रहे हैं कि रेगुलर पुलिस को ही इस पूरे मामले को सौंप दिया जाए ताकि जल्द ही जो युवती है उसका कुछ सुराग लग पाए। और उधम सिंह नगर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंच गया है। दरअसल आर्मी जवान भुवन पटियाला डीप ऑर्डिनेंस यूनिट पटियाला में तैनात थे। 19 सितंबर रविवार को वो इंदिरा किनाल नहर में बह गए थे। मंगलवार को यूनिट ने आर्मी के जवान का शव नहर से बरामद किया। आज जवान का पार्थिव शरीर जवाहर नगर शांतिपुर पहुंचा है। तो जवाहर नगर शांतिपुर पहुंचा जवान का पार्थिव शरीर। इधर रुड़की के मंगलौर में करोड़ों की लागत से मत्स्य बाजार मंडी का निर्माण कराया गया था लेकिन आज तक मत्स्य मंडी शुरू नहीं हो पाई है और शोपीस बनकर रह गई है। जबकि 2020 में मंत्री रेखा आर्य ने इस मंडी का उद्घाटन भी किया लेकिन आज तक मंडी नहीं चल पाई। वहीं देहात क्षेत्र में कई मत्स्य पालन इस मंडी से जुड़े हैं लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस पालन से जुड़े मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है, 15 घंटे बाद खुला केदारनाथ हाईवे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पहाड़ी से मलबा आने के बाद ये हाईवे बंद हुआ था जिसके बाद प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा था इस मार्ग को खोलने की और आखिरकार 15 घंटे के बाद इस हाईवे को खोल दिया गया है। पहाड़ी से मलबा आने के बाद ये हाईवे बंद हो गया था जिसके बाद कोशिश की गई इस मार्ग को खोलने की और अब 15 घंटे के बाद केदारनाथ हाईवे को खोल दिया गया है। ये तबाही खौफनाक है, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। देखते ही देखते ये पहाड़ जमीन पर उतर आया है।
24 सेकंड का ये वीडियो पहाड़ पर तबाही का वो मंजर है जिससे हर कोई खौफजदा। केदारनाथ हाईवे पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ, 15 घंटे तक हाईवे बंद रहा, यात्री फंसे रहे। लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है, जगह जगह भूस्खलन की खबरें हैं। 15 घंटे से ज्यादा लोग हाईवे पर फंसे रहे। परेशानी महज इतनी भर नहीं है, उत्तराखंड में पहाड़ तोड़ तबाही से हाहाकार मचा है। इधर टिहरी में भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है। घनसाली लंब गांव मोटर मार्ग पर पहाड़ से मलबा उतर आया, जिसकी वजह से रोड बाधित हो गया। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उत्तरकाशी में भी गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से रोड बंद हो गई। NH-108 दो जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। ये तस्वीरें राजधानी देहरादून की हैं, जहां सड़कें दरिया बन गई हैं। चंद्रबनी में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। सड़कों पर इस सैलाब ने हर किसी को डरा दिया। मंजर ऐसा है जैसे सड़क पर समंदर उतर आया है। जल भराव की तस्वीरें तो आम है, लेकिन ये सैलाब डराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो देखिए, बारिश से मची आपत की तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। चलिए, कैसा मौसम का अपडेट है, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर, रवि कैंतुरा इस वक्त सुधर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। रवि, सबसे पहले तो मौसम का अपडेट बताइए, आज मौसम कैसा है और आगे आने वाले समय के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक उत्तराखंड वासियों को इस आफत भरी बारिश से राहत मिल सकती है? बिल्कुल आयुषी, उत्तराखंड में अगर मौसम की बात करें तो कल दोपहर के बाद अधिकतर इलाकों में मौसम बदल गया था और झमाझम बारिश हो रही थी। पूरी रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त अगर देहरादून में मैं जहां पर हूं वहां पर बात करें तो बारिश अभी थोड़ा सा थमी जरूर है, लेकिन आसपास जो है बारिश का मौसम अभी बना हुआ है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में अभी भी बारिश है। आज खासतौर पर बात करें तो कुमाऊं के जो 4 जनपद हैं वहां पर भारी बारिश की मौसम विभाग ने आशंका जताई है, जिसमें पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, चंपावत और बागेश्वर, इन 4 जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश आज हो सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी मौसम विभाग ने दी है। जहां तक आने वाले दिनों में मौसम की बात है तो अभी तकरीबन 25 तारीख तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया है, जिसमें ज़्यादातर कुमाऊं के ज़िले हैं और गढ़वाल से लगे भी तमाम और ज़िले हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी पूरे सितंबर महीने तक मौसम और इस आफत की बारिश से राहत नहीं मिलेगी और इसी तरीके की बारिश उत्तराखंड में बनी रहेगी। चाहे गंगोत्री अगर हम बात करें, वहाँ के नेशनल हाईवे की बात हो, केदारनाथ बद्रीनाथ की बात हो, क्योंकि जैसे ही बीच में बारिश का सिलसिला कम हुआ था वैसे ही यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन जैसे ही कल से फिर से बारिश शुरू हुई है तो लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में जो 4 धाम आ रहे हैं यात्री, उनको भी अपील की गई है कि वो जब भी जिस रूट पर निकल रहे हैं वहाँ से नियर जो पुलिस चौकी हैं उनसे वे जानकारी ज़रूर ले लें कि आगे जो मौसम है उसकी वजह से सड़कें दुरुस्त हैं या फिर कहीं पर लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं हैं, तो उस हिसाब से आगे की यात्रा करें। फिलहाल अभी आफत की बारिश उत्तराखंड में जारी रहेगी। मौसम के अगर अनुमान को देखेंगे तो अमूमन 25 सितंबर तक उत्तराखंड से मौसम की जो विदाई है उसको माना जाता है, लेकिन इस बार मानसून तकरीबन 20 दिन देरी में उत्तराखंड पहुंचा था, तो ऐसे में 30 सितंबर तक इस बार ये आफत की बारिश रहेगी। हालांकि जब अक्टूबर की शुरुआत होगी तो शुरुआत में बारिश का जो सिलसिला है वो कम हो जाएगा और जो ठंड है उसकी दस्तक भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। अभी भी अगर बात करें तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर सुबह और शाम के वक्त में हल्की ठंड ने भी ज़रूर दस्तक दे दी है। जो हिल स्टेशन है मसूरी, नैनीताल, धनौल्टी, तमाम जगहों की अगर बात करें, मुक्तेश्वर, तो वहाँ पर भी हल्की ठंड की दस्तक सुबह और शाम पे हो गई है, लेकिन फिलहाल जो आफत की बारिश है वो उत्तराखंड में जारी रहेगी। मैदानी इलाकों की बात करें तो जिस तरीके से जल भराव की तस्वीरें सामने आई है, स्मार्ट सिटी का नाम नहीं होगी अभी आने वाले समय में, और इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है उत्तराखंड वासियों को भी और जो यहाँ आ रहे हैं उन्हें भी। बहुत धन्यवाद रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे तो गंगोत्री हाईवे हेलकुगाड और स्वारीगाड पर पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते हाईवे खोलने में परेशानी आ रही है। बीआरओ का कहना है कि जब पत्थर गिरना रुकेगा तभी हाईवे खोलने का काम शुरू किया जाएगा। जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण मलबा बोल्डर आने से गंगोत्री हाईवे जगह जगह से बंद है। 3 दिनों से मार्ग बंद पड़े हैं। गंगा घाटी में भारी बारिश के कारण बुधवार को शाम को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हेलकुगाड और सुनगर के बीच अवरुद्ध हो गया। लगातार पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण राजमार्ग को सुचारू करने का काम शुरू नहीं हो पाया है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, विधानसभा भर्ती से जुड़ी गड़बड़ी से यह बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। नेताओं के रिश्तेदारों की नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं मुख्यमंत्री ने। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि जिन भी नेताओं के रिश्तेदारों की नियुक्तियों में गड़बड़ी पाई गई है उन्हें निरस्त किया जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान विधानसभा भर्ती गड़बड़ी से जुड़ा, और क्या कुछ कहना था मुख्यमंत्री का वो भी आपको सुना। विधानसभा की भर्तियों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जैसे प्रकरण सामने आया तो हमने तत्काल विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि आप इस पर जांच करवाइए, और जांच करवाने के बाद दोषी जो पाए जाते हैं या जो गलत नियुक्तियाँ अवैध तरीके से हुई हैं उन सबको निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तो अपना मंतव्य पहले उनको दे चुका हूँ और इस दिशा में काम भी हो रहा है। तो सख्त हैं मुख्यमंत्री और अब आग्रह भी किया है। पंकज राणा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, साफ आदेश दे दिए गए हैं, साफ संकेत दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो नेताओं के करीबियों को निरस्त कर दिया जाएगा। आने वाले समय में अगर ये चीज होती है तो ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है प्रदेश में। बिल्कुल आईसी, देखिए उत्तराखंड विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी उसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था, और एक्सपर्ट कमेटी अपनी जांच पूरी कर चुकी है और ऐसा भी पता लगा है कि एक जो अंतरिम रिपोर्ट है वो विधानसभा अध्यक्ष के टेबल तक पहुंच चुकी है और उसका वो अध्ययन कर रही है। हालांकि वो 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज शाम वो देहरादून पहुँच जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो भर्तियाँ की गई थी उनमें अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो उनको निरस्त किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल जब विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने बड़े नेताओं के करीबियों को, रिश्तेदारों को नौकरी पर रखा था, और यह बात तब स्पष्ट हो गई थी जब जांच इसमें शुरू की गई थी। और जांच कमेटी अपनी जांच लगभग पूरी कर चुकी है क्योंकि पिछले 2 दिन से एक्सपर्ट कमेटी विधानसभा में नहीं आई है, और जिस दिन से एक्सपर्ट कमेटी ने जांच शुरू की थी रातों रात बैठकर विधानसभा भवन में लगातार तमाम पत्रावलियों की वो जांच कर रही थी, और सभी पत्रावलियां उन्होंने जांच ली हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भर्ती किए गए थे लोगों के उनके डॉक्यूमेंट जांच ली हैं। और शुरुआती जांच में यह सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ ऐसे तथ्य एक्सपर्ट कमेटी को भी मिले हैं कि जिसमें नियम कायदों को ताक पर रखा गया है, यानी कि साफ है कि जो भर्तियां प्रेमचंद अग्रवाल के दौरान की गई थी वो निश्चित तौर पर निरस्त की जाएंगी। और इसी वजह से विधानसभा के अंदर तमाम जो कर्मचारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है कि एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी तो उस पर एक बड़ा निर्णय उत्तराखंड में होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष आज शाम को कोटद्वार से देहरादून आ जाएंगी, और कल तक ये माना जा रहा है कि जो पूरी रिपोर्ट है, जो एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तय की है, वो शाम को एक्सपर्ट कमेटी विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देगी, और उसके बाद उस पर विधानसभा अध्यक्ष आखिरी निर्णय लेंगी। क्योंकि विधानसभा स्तर की जो भी भर्ती हुई है, जो भी काम किए जाने हैं, उस पर अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष को ही लेना, उनका अपना विवेक अधिकार होता है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई बार उनसे आग्रह किया है कि यदि गड़बड़ियां हुई हैं भर्तियों में तो उन सभी भर्तियों को निरस्त कर देना चाहिए। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि एक्सपर्ट कमेटी ने जांच पूरी कर ली है। आग्रह तो किया गया है, लेकिन देखने वाली बात है कि जो जांच की आंच है वो किन किन नेताओं तक पहुंचती है। पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।